अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फहद सईद एंड वेलकम टू द बिजनेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को ही डिस्कस करेंगे और आज हम थ्री वेरिएबल्स और थ्री इक्वेशंस को लेकर आए हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड देखा जिसमें हमने टू इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स को लिया था। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन से। तो इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जैसे हमने 2/2 में कहा, तो 2/2 में तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से ऑलरेडी सॉल्यूशन का जो नेचर था, जो बिहेवियर था, वो हमने बता दिया। बट यहाँ आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं और थ्री इक्वेशंस मौजूद हैं, तो इसको तो स्टूडेंट हम उस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा सॉल्यूशन का, वो हम जब इसकी जो फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसकी जो नीचे हम देखेंगे, जो अगर जो थर्ड रो है वो कंप्लीट ज़ीरो होगी तो मैनी सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से थर्ड रो की लेफ्ट हैंड साइड तो स्टूडेंट ज़ीरो होगी बट राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं होगी, तो उस बेस पर ये क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। और इसी तरह अगर पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट बन जाती है तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलवाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन को स्टूडेंट हम आंसर वन, क्वेश्चन नंबर वन को स्टूडेंट डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ ऑगमेंटेड फॉर्म में। जी स्टूडेंट, ऑगमेंटेड फॉर्म वन 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 एंड दिस इज इक्वल टू साइन सिक्स टू माइनस वन थ्री फोर फोर फाइव माइनस टेन एंड थर्टीन। स्टूडेंट ये हमारी क्या कहलवाएगी, ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर थ्री का, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमें लीडिंग एलिमेंट वन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो अब लीडिंग एलिमेंट वन यानी कि स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट वन के नीचे हमें क्या चाहिए, ज़ीरो एंट्रीज चाहिए। इसका मतलब है इस वन की मदद से मैं इसको भी ज़ीरो करूँगा और साथ में इसको भी ज़ीरो करूँगा। लेकिन जब हमने 2/2 में कहा, बिकॉज वहाँ पर क्या था, जस्ट एक एलिमेंट मौजूद था, तो हमने उस वन की मदद से इसको ज़ीरो किया था। बट आपने इस वन की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑपरेट किस पर करेंगे, ऑपरेट किस पर किया जाएगा, आर टू पर। किसकी मदद से किया जाएगा स्टूडेंट, आर वन की मदद से, और आर वन को टू से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें आंसर मिलेगा आर टू का। सिमिलरली ऑपरेट करना है हमें आर थ्री पर, और किसकी मदद से किया जाएगा स्टूडेंट, आर वन की, बिकॉज आर वन लीडिंग एलिमेंट वन आ चुका। आर वन की मदद से स्टूडेंट अगर हम आर वन को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें आंसर किसका मिलेगा, आर थ्री का। तो स्टूडेंट इस पूरे सुनहरियो में आर वन चेंज नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इस प्लेस पे जो भी हमारी रो होगी वो सेम एज इट इज़ लिखी जाती है, जिसकी मदद से हम काम ले रहे हैं वो चेंज नहीं होगी। ये देखिए स्टूडेंट, हमने अपनी तसल्ली के लिए इसको रो वन को सेम एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट से हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो वो आर वन को आर टू की जगह और इस तरह की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है, आप जब रो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो आप पहले ये देख लिया करें कि जो वो रो जो चेंज नहीं हो रही आप उसको लिख लें, ठीक है। अब आर टू और आर थ्री का आंसर जो भी आएगा इन ऑपरेशन से हम वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्टूडेंट जो हमने यहाँ अब लिखा है वो एक्चुअल में करके देखते हैं, आर टू ये हमारे पास टू माइनस वन थ्री फोर, और आर वन को टू से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट टू 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 एंड ट्वेल्व,
सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 0, नेगेटिव 3, 1 एंड नेगेटिव 8। तो ये स्टूडेंट हमें मिला R2। इसी तरह से स्टूडेंट R3 हमारे पास है 4, 5, माइनस 10 एंड 13। और R1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एंड 24, सब्ट्रैक्शन, साइन ऑपोजिट हुए, तो 0, 1, नेगेटिव 14 एंड 24 माइनस 13 कर दें स्टूडेंट, माइनस 11, और ये हमें मिला R3। R2 स्टूडेंट 0, माइनस 3, 1, माइनस 8, और R3 0, 1, माइनस 14, माइनस 11। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब ये एंट्री हमें क्या करनी है, 0 बनानी है। तो 0 बनाने के लिए अगेन स्टूडेंट हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन अदर वर्ड्स अगर इंटरचेंज करने से आंसर हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं आ रहा, देन आप क्या करते हो, किसी भी स्केलर से, किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि डिवाइड करने से वो तो 1 बनेगा बट उसकी नेक्स्ट जो एंट्रीज हैं वो बाय की फॉर्म में आ जाएं, तो मतलब जब हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आप अगर ये भी नहीं चाहते तो आप थर्ड ऑप्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हुए किसी दूसरी रो से, अब दूसरी रो का मतलब कि सिर्फ दूसरी रो तक जाएंगे, रो 1 का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज रो 1 ने स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर चुकी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो R2 के साथ आप R3 को मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आप उसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम -3 को डिवाइड करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं -1/3 से, ठीक है, उससे क्या होगा, ये तो 1 बनेगा बट आगे आपके पास जो एंट्रीज हैं वो बाय की फॉर्म में आ जाएंगी, और बाय की फॉर्म में आने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट हमारे पास हर हाल में मौजूद है, लेकिन हम कुछ और देखते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई के अलावा, ठीक है, मल्टीप्लाई से तो ये तो 1 बना बट ये 1/-1/3 हो जाएगा और ये 8/3 होगा। फिर जब आपने ये 1 बना लिया, 1 की मदद से आप जब इसको नीचे 0 करने जाओगे तो आपको यहाँ पर LC जो हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये ना चाहते हुए आप देख सकते हैं कि ये R3 और R2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1 होगा। अब हम R1 का यूज़ नहीं करेंगे, R1 का काम ख़त्म हो चुका, ठीक है, तो R1 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो ऑर्डर ख़राब हो जाएगा जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया था। क्लियर स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें R2 को R3 के साथ, ठीक है स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप यही करें, आप लॉजिकली आप इसको आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो उसका सलूशन ठीक होना चाहिए, ऑपरेशंस ठीक होने चाहिए, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, -1/3 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बेशक आप इंटरचेंज ना करें, लेकिन अल्टीमेटली आप जिस भी ऑपरेशन का यूज़ करते हो आंसर एंड में सबका एक जैसा ही आएगा, अगर आपने रो ऑपरेशंस को सही से यूज़ किया है, और आप जानते हैं कि किसको हम कब यूटिलाइज़ करते हैं, किस रो को और कब किस रो को नहीं करना, ठीक है, तो तब आपका फाइनल आंसर जो होगा वो अल्टीमेटली सेम ही आएगा। वापस आते हैं स्टूडेंट, R2 को रिप्लेस किया है हमने R3 के साथ, तो R1 सेम एज इट इज़ आया, R1 सेम एज इट इज़ आ गई, और R2 स्टूडेंट हमारे पास 0, 1, -14, -11,
और आर थ्री स्टूडेंट जीरो माइनस थ्री वन माइनस एट। क्लियर हुआ? बड़ी आसानी से स्टूडेंट हमें यहाँ लीडिंग एलिमेंट वन मिल चुका है। अब क्या करना है, इस वन की मदद से ऊपर वाला और नीचे वाला जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, हमने उनको ज़ीरो करना है। इट मींस ऑपरेट करना है आर वन पर और आर थ्री पर, और किसकी मदद से स्टूडेंट करना है, आर टू की मदद से करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट ऑपरेशंस के हमने साइन लगा दिए। अब स्टूडेंट ऑपरेट करना है आर वन पर और आर टू की मदद से करना है। आर टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ज़ीरो हो। स्टूडेंट दोनों के जो कोफिशेंट्स हैं यानी कि जो एंट्रीज हैं वो सेम हैं, जस्ट मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर ओवरऑल किसका मिलेगा, आर टू का मिलेगा। ठीक है, ऑपरेट किया आर वन पर, सॉरी आर वन का मिलेगा आंसर। ऑपरेट किया आर वन पर किसकी मदद से, आर टू की मदद से, और आंसर क्या आएगा, आर वन का। सिमिलरली स्टूडेंट ऑपरेट करना है हमें आर थ्री पर और आर वन आर टू की मदद से करना है। आर टू को स्टूडेंट अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो ये ज़ीरो होगा। इट मींस थ्री से मल्टीप्लाई करते हुए मुझे ऐड करना है और आंसर आर थ्री का। तो अब स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर लिखा वो एक्चुअल में करके देखते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आर टू हमारा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ज़ीरो वन माइनस फोर्टीन एंड माइनस इलेवन, ये तो स्टूडेंट चेंज नहीं हुआ, हमने इसको सेम एज इट इज़ लिख दिया। तो आर वन हमारे पास स्टूडेंट है वन 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 एंड सिक्स, और आर टू स्टूडेंट ज़ीरो वन माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन, सब्ट्रैक्शन का साइन स्टूडेंट हमें मिला वन ज़ीरो फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, दिस इज आवर आर वन। जी स्टूडेंट वन ज़ीरो फिफ्टीन एंड सेवनटीन। नेक्स्ट स्टूडेंट आर थ्री प्लस थ्री आर टू, तो आर थ्री स्टूडेंट हमारे पास है माइनस ज़ीरो माइनस थ्री वन माइनस एट, और आर टू को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो ज़ीरो थ्री, ये स्टूडेंट हमें मिलेगा माइनस फोर्टी टू एंड माइनस थर्टी थ्री, और स्टूडेंट हमें ऐड करना है तो ज़ीरो ज़ीरो माइनस फोर्टी वन एंड माइनस फोर्टी वन। तो यहाँ स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ज़ीरो ज़ीरो माइनस फोर्टी वन माइनस फोर्टी वन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास यहाँ क्या लेकर आना चाहिए, हमें वन लेकर आना चाहिए। अब वन लेकर आने के लिए स्टूडेंट मैं अब इंटरचेंज नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। हमारे पास फाइनल यहाँ पर ये ऑप्शन है कि हम माइनस वन अपॉन फोर्टी वन से इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे वन लेकर आने के लिए। बिकॉज ना मैं आर वन का यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं इसके साथ आर टू का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है। जी स्टूडेंट, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। हमने क्या किया स्टूडेंट, आर थ्री को मल्टीप्लाई किया माइनस वन अपॉन फोर्टी वन से, और हमें मिला वन ज़ीरो फिफ्टीन सेवनटीन ज़ीरो वन माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन ज़ीरो ज़ीरो स्टूडेंट वन एंड वन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? अब ये लीडिंग एलिमेंट आ चुका, इसकी मदद से स्टूडेंट ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो हमें क्या करनी है, ज़ीरो करनी है। तो स्टूडेंट ये मैं रेज कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, ऑपरेट किस पर करना है, आर वन पर, किसकी मदद से करना है, आर टू की। अगर हम आर टू को 15 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा आर वन। इसी तरह स्टूडेंट ऑपरेट किस पर करना है, आर टू पर,
और R2 पर ऑपरेट करना है, किसकी मदद से करना है स्टूडेंट? R3 की मदद से। ये स्टूडेंट R3 है, तो R ऑपरेट करना है R2 पर, किसकी मदद से करना है स्टूडेंट? R3। और अगर R3 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद ऐड कर दूं, तो आंसर हमें R2 का फाइंड आउट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, रफ वर्किंग करते हैं। R1 हमारे पास है 1, 0, 15, 17, और R3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो R3 स्टूडेंट हमारे पास है 0, 0, 15 and 15, सब्ट्रैक्शन के साइन 1, 0, 0 and 2। तो हमें मिला स्टूडेंट R1 का आंसर 1, 0, 0, 2। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं, तो R2 हमारे पास स्टूडेंट है 0, 1, -14, -11। R3 को 14 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, 0, 0, 14 and 14, और हमें क्या करना है ऐड, तो ये 0, 1, 0 और ये हमारे पास प्लस 3, तो 0, 1, 0, 3। नेक्स्ट स्टूडेंट R3, बिकॉज इसकी मदद से किया गया था, ये सेम एज इट इज़ रहेगा, 0, 0, 1 and 1। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन था x1, x2, x3 में। अब ये मैट्रिसेस की फॉर्म है, इसको दोबारा अगर हम इनटू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज x2 और x3 यहाँ पर 0 हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन निकला, बिकॉज जितने अननाउंस होते हैं उतने ही आंसर्स निकला करते हैं। अगर ये हमारे पास x1, x2 और x3 के आंसर्स निकले, अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सोल्यूशन ठीक है या गलत। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, आप इन तीनों में पुट करें। अगर आप तीनों में नहीं करते तो आप रेंडमली किसी एक में पुट करके देखें, और इसमें लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल आते हैं, इट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट। चलें क्रॉस चेक करते हैं स्टूडेंट। मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं स्टूडेंट, 2 into x1 इज स्टूडेंट हमारा 2 है, माइनस x2 हमारा 3 है, प्लस 3 x3 स्टूडेंट हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट 4 - 3 + 3 इज इक्वल टू 4, ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ, तो 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर रखिए x1 हमारे पास 2 है, और x3 हमारे पास कितना है स्टूडेंट, x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 3 है, यानी कि 2 + 3 = 5 हो गए, और x3 1 है, तो 5 + 1 = 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास, मैं इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख रहा हूं, (1, 1, 20, 2, -3, 1, -5, 6, 6, -4, 4 and 30). जी स्टूडेंट, फॉर्म आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, हमारे पास लीडिंग एलिमेंट अगेन 1 है, इस 1 की मदद से स्टूडेंट डाउन साइड इसकी 0 करनी होगी, तो यहाँ स्टूडेंट हम ऑपरेशन लिख लेंगे, ऑपरेट स्टूडेंट R2 पर R1 की मदद से, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें आंसर R2 का फाइंड आउट होगा। इसी तरह स्टूडेंट ऑपरेट करना है R3 पर, R1 की मदद से किया जाएगा, और R1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें आंसर R3 का फाइंड आउट होगा। चलिए स्टूडेंट, जो हमने कहा, जो हमने लिखा वो एक्चुअल में करते हैं। R2 स्टूडेंट हमारे पास 2
माइनस थ्री वन माइनस फाइव, और आर वन स्टूडेंट हमारे पास उसे टू से मल्टीप्लाई कीजिए, टू 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 एंड फोर्टी सब्ट्रैक्शन के साइन, हमें मिला स्टूडेंट ज़ीरो माइनस फाइव माइनस वन एंड माइनस फोर्टी फाइव। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमें आर टू का रिजल्ट मिला। आर थ्री स्टूडेंट हमारे पास है सिक्स माइनस फोर फोर थर्टी, और आर वन को सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, सिक्स 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 एंड सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व ज़ीरो वन ट्वेंटी सब्ट्रैक्शन के साइन, हमें मिला स्टूडेंट ज़ीरो माइनस टेन माइनस टू एंड माइनस नाइन्टी। तो आर वन स्टूडेंट यहाँ चेंज नहीं होगी, वन 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 ट्वेंटी। आर टू स्टूडेंट हमने निकाला ज़ीरो माइनस फाइव माइनस वन एंड माइनस फोर्टी फाइव। आर थ्री स्टूडेंट हमारे पास ज़ीरो माइनस टेन माइनस टू एंड माइनस ट्वेंटी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, हमें नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट वन चाहिए यहाँ। तो आप पहली ऑप्शन को तो भूल जाएं, रिप्लेस नहीं होगा, आर वन इंटू आर टू नहीं होगा, बिकॉज अगर रिप्लेस करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ख़राब होगा। सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसको माइनस वन ओवर फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ मौजूद होता, उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर कर हम ऐड और सबट्रैक्ट करते हो सकता था, तब भी वन बनता, बट थर्ड ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है, हम इसको वन बनाएंगे। वन बनाने के लिए हमें क्या करना है? जी स्टूडेंट, आर टू को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस वन अपॉन फाइव से, तो आर वन सेम एज इट इज 20, और आर टू स्टूडेंट हमें मिला ज़ीरो वन। चूँकि हम माइनस वन अपॉन फाइव से कर रहे हैं तो हमें मिलेगा प्लस का वन बाय फाइव। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, फाइव जब नीचे है तो फाइव नाइन ज़ार फोर्टी फाइव, और ज़ीरो नेगेटिव टेन नेगेटिव टू नेगेटिव टू एंड नेगेटिव नाइन्टी। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट? अब इस वन की मदद से मुझे अपसाइड एंड डाउनसाइड को ज़ीरो करना है। ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट आर वन पर, आर टू की मदद से किया जाएगा, और अगर आर टू को मैं जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, बिकॉज हमारे पास कोफिशिएंट सेम है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा आर वन का। सिमिलरली ऑपरेट आर थ्री पर करना है स्टूडेंट, आर टू की मदद से करना है। अगर आर टू को मैं टेन से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद ऐड कर दूं, बिकॉज ऑपोजिट साइंस हैं तो कट हो सकते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा आर थ्री का। जी स्टूडेंट, आर वन आर टू इस सिलसिले में स्टूडेंट सेम रहेगी, ज़ीरो वन वन बाय फाइव एंड नाइन। आर वन स्टूडेंट हमारे पास वन 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 ट्वेंटी, ठीक है, आर वन हुआ स्टूडेंट। आर टू इज ज़ीरो वन वन बाय फाइव नाइन्टी, और स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, हमें मिलेगा वन ज़ीरो। जी स्टूडेंट इसको देखिए, वन ये है माइनस का, माइनस वन ओवर फाइव, तो फाइव वन सर फाइव, फाइव माइनस वन फोर बाय फाइव, तो ये डायरेक्ट हमने लिखा फोर बाय फाइव, और ये यहाँ स्टूडेंट हमें मिला प्लस का 11। तो आंसर आया आर वन का स्टूडेंट वन ज़ीरो फोर बाय फाइव एंड 11। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए स्टूडेंट, आर थ्री ज़ीरो माइनस टेन माइनस टू माइनस नाइन्टी। आर टू को स्टूडेंट टेन से मल्टीप्लाई कीजिए, आर टू इज़ ज़ीरो टेन, तो टेन से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट यहाँ हमें टू मिलेगा, और ये हमें मिला नाइन्टी। स्टूडेंट हमें ऐड करना है तो ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो।
ये क्या हुआ स्टूडेंट, हमने तो इसको ज़ीरो किया था बट इससे आगे वाला भी ज़ीरो हो गया। तो अब आप यहाँ से इमेजिन कीजिए कि आर थ्री कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई। तो अब यहाँ वन तो आने से रहा, अगर ये वन कोई और नंबर आता तो हम उसको डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते, उसको वन लेकर आते, उस वन की मदद से हमने ऊपर वाला एरिया ज़ीरो करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमने ऑपरेशंस किए ये यहीं तक ही रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको अगेन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड ज़ीरो है तो ये इनफाइनाइट यानी कि मैनी सॉल्यूशंस रखेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट, हमारी जो इक्वेशन बनी हमारी स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बनी थी एक्स वन प्लस फोर बाय फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू इलेवन, इसी तरह से स्टूडेंट देखिए एक्स टू प्लस वन बाय फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू नाइन। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब इनको किस तरह से स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है अब ये देखना है। अब क्या करते हैं हम क्या करने वाले हैं, एक्स वन और एक्स टू का आंसर फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स थ्री, यानी कि एक्स वन इज इक्वल टू माइनस फोर बाय फाइव एक्स थ्री प्लस इलेवन फ्रॉम इक्वेशन वन, और इसी तरह से स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन टू से हम एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव एक्स थ्री प्लस नाइन, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन टू। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मैनी सॉल्यूशन किस तरह से रखेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ अगर हम एक्स थ्री का आंसर चेंज कर दें, लेट यानी कि लेट करते हैं एक्स थ्री ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन है, तो अगर हम एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो यानी कि एक्स थ्री को ज़ीरो के इक्वल रखा तो इसमें पुट करने से हमें एक्स वन और एक्स टू फाइंड आउट होगा। फिर इसी तरह से एक्स थ्री का आंसर हम वन रखेंगे तो इधर भी वन रखेंगे तो उससे क्या होगा, एक्स वन और एक्स टू का आंसर फिर चेंज होगा। फिर इसी तरह से एक्स थ्री को हम टू सब लेट करें तो यहाँ पुट करने से हमें एक्स वन और एक्स टू के और आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरह करते करते स्टूडेंट हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। क्लियर हुई बात? देखिए फॉर एग्जांपल हमने जैसे कहा कि एक्स थ्री ज़ीरो के इक्वल है तो हमें फिर क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू ये ज़ीरो हुआ 11, इसी तरह से स्टूडेंट ये हमें एक्स टू क्या मिलेगा, एक्स टू इज इक्वल टू 9 और एक्स थ्री क्या था, ज़ीरो था, मतलब हमने वो पहले ही लिख दिया। तो ये एक सेट बन गया सॉल्यूशन का। अब अगर बात करें व्हेन एक्स थ्री इज इक्वल टू 1 तो आप यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो अनकाउंटेबल हैं। बात क्लियर हुई स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट छोड़ देता हूँ, ये आप खुद चेक कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू 12, एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू 10, सिक्स एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस नाइन एक्स थ्री इज इक्वल टू 24। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप इसको कीजिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।